Welcome to Basra Engineering Salon and I am Engineer Faizal Basra. Guys, AutoCAD में हमारा आज का टॉपिक है लाइन कमांड एंड इट्स प्रॉपर्टी सेटिंग। आज हम इसमें डिटेल से लाइन ड्रा करना और उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना, सेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें चलते हैं टॉपिक की तरफ। लाइन ड्रा कर लें। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ लाइनें ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और या इसको मजीद कॉपी करके रख लेते हैं। ठीक है, सीधा हम तो सर्कल भी ड्रा कर लेते हैं और कोई ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले तो यही है कि हम जो लाइन ड्रा करते हैं, ये हमारे ऊपर, ये यहाँ पे मेन्यू में लाइन का आइकॉन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये नीचे कमांड लाइन पे आ जाएगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लगाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको, ये देखें पहला पॉइंट, फिर उसे दूसरा पॉइंट। अगर आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है तो ऑर्थो को और ऑन रखें। ठीक है, पहला पॉइंट यहां तक, फिर दूसरा पॉइंट, आप डिस्टेंस दे सकते हैं और उसके कोऑर्डिनेट दे दें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ मिला भी सकते हैं, अदरवाइज आप जहाँ से कमांड चैप्टर के जरिए, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे लाइन कमांड में इसकी सेटिंग जो है, सबसे पहले ये ग्रुप इसको सिलेक्ट करें, एक एक को सिलेक्ट करें या पूरे को सिलेक्ट करें। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी कि अगर आपने लेफ्ट के साइड से सिलेक्शन विंडो बनानी है तो फिर वो हर चीज़ उसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तमाम चीज़ें जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर होने चाहिए, इस तरीके से सिलेक्ट करेगा। अदरवाइज अगर आप जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं आता है, फर्ज करें कि आपने इसके सिलेक्शन की यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, तो ये देखिए इसमें ना तो ये स्केल बॉक्स इसके अंदर आ रहा है, ना नीचे वाली लाइन जो है इसके अंदर नहीं आ रही, तो ये दोनों सिलेक्ट नहीं होंगी, ये भी और ये भी सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये है तुम्हारी लेफ्ट सिलेक्शन विंडो, ये सिलेक्शन का हमने आपको पहले बताया था कि इसमें दो तरीके हैं। और अगर आपने पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ से इस तरफ राइट विंडो बनाएंगे, तो ये देखिए दोनों के कलर में भी फर्क होता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर की, और ये देखिए जो जो चीज़ जिसको जिसको भी ये टच कर जाएगी, इसमें ये देखें जिस इसमें उसके अंदर आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, राइट सिलेक्शन विंडो से जो भी चीज़ टच कर जाएगी वो उसको पिक कर लेगा। ठीक है, दोबारा देख लें कि अगर आप लेफ्ट सिलेक्शन विंडो बनाएंगे तो उसके अंदर जो चीज़ होगी वही सेलेक्ट होगी, और दूसरा जो देखिए इसके कलर जो है वो ब्लू कलर है। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ पे इसको रख लेते हैं तो ये दोनों बॉक्स और जो नीचे वाली लाइन उसके अंदर नहीं आ रही थी, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं होगी। तो इसमें ये मतलब ये तरीकाकार जहाँ पे इस्तेमाल होगा कि जहाँ बहुत सारी लाइनें होंगी और जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट छोटे छोटे होते हैं तो फिर वहाँ हम उसको राइट विंडो से नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ को टच कर दी जाएगी उसको सिलेक्ट कर देगी, तो जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होंगे तो फिर वहाँ जाके हम इसको बिल्कुल माइन्यूटली जहाँ जाके ऐसे एक विंडो बनाएंगे छोटी सी और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
तो उस वक्त अगर हम यहाँ साथ साथ में लाइन होती, जहाँ ऐसे करेंगे और दूसरी को टच कर देगी, ठीक है, साथ दूसरी लाइन को टच कर देगी, या ऐसे करते हैं, देखें ये दोनों नज़दीक नज़दीक होंगे, तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें हम जो विंडो जो है इस्तेमाल करते हैं उस जगह पे, कि जहाँ पे बिल्कुल एरिया कंजेशन हो और बहुत ज़्यादा लाइन्स हो, या बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट साथ साथ में पड़े हो, तो फिर हम उसको राइट से मतलब लेफ्ट वाला इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप जनरली इस्तेमाल करना चाहते हैं कि भाई ठीक है सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो फिर आप इसको ऐसे करेंगे, जो जो टच कर जाएगा सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो है इसके सिलेक्शन का तरीका का। अब हम इसको यहाँ से देखते हैं कि लाइन को कलर चेंज करना, पहले हमने इसको ये देखें सिलेक्ट किया, सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ गए, तो यहाँ ये देखें इसकी प्रॉपर्टीज है, लेफ्ट साइड टॉप पे प्रॉपर्टीज ये लिखा हुआ है, तो सबसे ऊपर जो है इसका कलर है, ऑब्जेक्ट कलर बाय लेयर कलर। अच्छा, ये जो है ये जो कलर एक लेयर का होता है, ये लेयर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर तो हम मतलब एक लेयर पे काम कर रहे हैं, तो फिर हमें बार बार किसी का कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो कलर लेयर का होगा वो सारे जो भी उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कलर उसको खुद खुद वो मिलता जाएगा, ठीक है, उसमें एसोसिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी वजह से कुछ चीज़ें अलहदा करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका कलर अलहदा करना चाहते हैं, तो फिर वो यहाँ से आप बाई ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, बाई ब्लॉक कलर ले लें, ब्लैक ले लें, कोई चीज़ आप जिसको ये देखें रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर ले लें, तो ये बाई लेयर कलर नहीं होगा, तो ठीक है, एक तो ये हो गया इसमें कलर का, ठीक है। दूसरे में आ जाए, इसको सेलेक्ट करें दोबारा, ये देखें पहले पे ये है कलर का, कलर सिलेक्शन जहाँ से आपने कर ली, ठीक है, ब्लू कलर ले लें। दूसरे नंबर पे जाए, इसको सिलेक्शन रहने दें, और यहाँ पे है इसका लाइन वेट, ठीक है, आपने बाई डिफॉल्ट जो है ये 0.0 तक मिलीमीटर होती है बाई डिफॉल्ट, ठीक है, तो आप कोई भी लाइन चेंज कर सकते हैं। और ये खास तौर पे जब हम बड़ी ड्राइंग बनाते हैं और उसमें डिफरेंट चीज़ों को शो करना होता है, तो वहाँ पे लाइन वेट को शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, हर चीज़ को यानी मेन बाउंड्री को शो करना और उसके अंदर छोटे ऑब्जेक्ट को लादा लादा शो करना, ठीक है, तो उस लिहाज से वहाँ पे ये देखें इसका लाइन वेट जो है शो करना ज़रूरी है, ठीक है, इस तरीके से जहाँ से हम इसका लाइन वेट कर सकते हैं। और अगर जहाँ से किसी वक्त ना भी हो, तो जहाँ से भी हम इसके जहाँ लिखेंगे कमांड पे लाइन, जब लाइन लिखेंगे तो नीचे ये देखें लाइन टाइप, लाइन वेट, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये है कि लाइन वेट का ये जो कमांड है, इसमें मेन जो चीज़ है वो ये, इसको आप क्लिक करें, ठीक है, तो ये जो है लाइन वेट सेटिंग का डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे ये ऑन है, अक्सर जगह पे ये प्रॉब्लम होता है कि ये ऑन नहीं होता और स्टूडेंट जो है वो इसको यहाँ से चेंज करते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ चेंज नहीं होती। ये देखें हमने यहाँ से ये तो चेंज की हुई है, ये देखें जहाँ पे आप इसको कोई भी आप दे दें, देखिए जितनी मर्जी मोटाई दे लें, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको मोटाई दे दें, कोई भी आप मोटाई दे दें, लेकिन ये देखो शो नहीं हुई, ठीक है, तो इसकी यही वजह है कि इसका वो डिस्प्ले हमने सेटिंग नहीं की। इसके यहाँ से लाइन वेट लिखेंगे कमांड में, लाइन वेट, ठीक है, लाइन वेट लिखेंगे, एंटर करें, तो ये जो है डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो यहाँ से डिस्प्ले हो जाए। और यहीं से हम देखें डिफ़ॉल्ट, उसने देखा है 0.25 mm जो है ये इसकी डिफ़ॉल्ट होती है, और यहाँ से मिलीमीटर और इंचेस वगैरह आप यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, और ये जहाँ से देखें यहाँ से ही आप इसका लाइन वेट सेट कर सकते हैं परमानेंट, ठीक है, बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ आप सेट कर देंगे, ठीक है, वही चीज़ जो है वो वहाँ, ये खास तौर पर आप ख्याल रखें कि जहाँ पर जो चीज़ लाइन वेट सेट होगा वही आगे जाएगा, ठीक है, ये देखें अब ये लाइन वेट शो हो गया, ठीक है, मजीद देखें इसको,
कलर सेट करें, सबसे पहले कलर सेट करें, ठीक है। फिर लाइन वेट सेट करें, लाइन वेट आप जितना मर्जी यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरीके से हम इसका लाइन वेट सेट कर सकते हैं, लेकिन लाइन वेट शो जो है डिस्प्ले होगा वो उसके लाइन वेट कमांड लिखने से क्लियर होगा, ठीक है। अगर वो ऑफ हो जाएगा तो फिर वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन वेट आप इसका किसी भी चीज का लाइन वेट सेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें, इसका कलर चेंज कर लें, इसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को सिलेक्शन कर लें, लाइन वेट चेंज कर लें, कोई भी आप लाइन वेट यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी जरूरत है जहाँ से आपको अगर ज्यादा थिक लाइन की जरूरत है तो ये आप इसमें कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट ये आ जाता है, ठीक हो गया। ये हम छोटी लाइन कोई भी ड्रा कर सकते हैं, बड़ी लाइन ड्रा कर सकते हैं, इससे छोटा है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने ये मतलब इनका लाइट वेट चेंज करना है, मोटाई इसकी और कलर, ठीक है, दो चीजें इसकी ये इससे चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके लगा रख लें, अच्छा अब आगे चलते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है लाइन थिकनेस, ठीक है, थिकनेस चेंज करना। अच्छा इसमें ये देखें, ये हमारे पास लाइन है, ये मतलब थिकनेस होगी ना, अब ये होगी इसकी लाइन टाइप। लाइन टाइप जो है हमारे पास, ये देखें, एक तो है कंटिन्यूस, ठीक है, और अगर हम अदर चाहिए तो यहाँ पे लोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, कोई भी आपको लाइन टाइप चाहिए तो यहाँ से आप लोड कर सकते हैं, ठीक है, इसको लोड कर लें, और लोड करना चाहते हैं और लोड कर लें, ठीक है, मजीद लोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें, ये हर तरह की लाइन, मजीद लोड करना चाहते हैं तो ये वाली लाइन है, डैश डॉट बॉर्डर की है, ये वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी जो है लाइन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से लोड कर सकते हैं, ठीक है। इसको दोबारा देखने के आप यहाँ पे जाएं, ये एरो पे जाएं, ठीक है, अगर जो लोड हुई हुई होती है ना वो यहाँ पे नजर आएंगे, अगर कोई लोड नहीं हुई तो फिर जहाँ पे अदर पे जाके, ठीक है, ये तो अभी हमने लोड कर लिया तो यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अगर मतलब हम ऑलरेडी पहले से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन अगर पहले से कोई नहीं है तो फिर ये सिर्फ एक लाइन होगी बाई ब्लॉक, ठीक है, या बाई लेयर। तो अदर पे जाएंगे तो जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा लाइन टाइप मैनेजर, ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ से लोड कर लेंगे और जो करंट जो किसी के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसको आज ये करंट कर देगा, ठीक है। आप इसको प्रेस करेंगे करंट तो ये करंट हो जाएगा, फिर यही लाइन चलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना, ये इतनी लोड हो गया। अगर अब मजीद और कोई आप डिज़ाइन लोड करना चाहते हैं, स्टाइल लोड करना चाहते हैं तो आप लोड कर सकते हैं यहाँ से, और उस पर क्लिक करके ओके करें, ठीक है। देखें ये कर लें, ओके करें, अच्छा। तो आप जो देखें इसको सिलेक्ट करें, हमने इसका स्टाइल चेंज करना है तो ये देखें यहाँ पे आप इसका, ये इसका लाइन स्टाइल हो गया, ठीक है, स्केप करें, देखें
इस तरीके से ये बॉर्डर आ गया। इसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करें और सारी को इकट्ठी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर छोटा ऑब्जेक्ट हो तो, अगर दूर दूर हो तो फिर वो एक एक करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, आप इसमें देखें, इसको सिलेक्ट करें, आप सबको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट में आप इसको देख लें, कोई दूसरा स्टाइल देख लें, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से इसकी लाइन भी बढ़ी है ना, इसलिए भी। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे ये सेंटर फैंस है, इसको हमने ओके किया, स्केप पर है, ये देखें, ठीक है। इसके बाद इसको हमने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये देखें, ये सेंटर है लाइन, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो गाइस, इसमें हमारा आज हम जिसको डिटेल से लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो इसके साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन इसमें मज़ीद जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।